हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में, देखिए पूर्णिया कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया में अदर स्टेट के ये 7 लोग हैं। देखिए ऐसा का हर आपका जिला में मिलेगा, एक दो नहीं मिलेगा। अच्छा से जांच हो, सिर्फ अभी सीटेट का ही जाँच हो रहा है, डॉक्यूमेंट जाँच होगा तो कितना फर्जी निकलेगा, कैसे कैसे बहाली किया गया ये तो भगवान ही जाने। तो 60 टीचर है जो सीटेट में फेल है, क्योंकि अदर स्टेट के हैं तो इनको चाहिए 90 नंबर, समझे। और पता नहीं वेरिफिकेशन कैसे किया गया वो भगवान ही जाने। लिखा है कि यहाँ पर ज्योति राजपूत, सालूदेव, शशि प्रभा यादव, रीना कुमारी, कुमारी चंदा कुमारी, सुशक्ति गुप्ता और शुभम सिंह, ये लोग 6 to 8, सब 6 to 8 और एक 1 to 5 के टीचर है। और सबको क्या है, 90 नंबर से कम नंबर है, समझे। यहाँ वो सब लिखा भी गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 में निर्धारित पत्ता के अनुरूप अर्हता नहीं रखने के कारण विद्यालय अध्यापक पद पर औपबंधिक नियुक्ति पद को रद्द करने के संबंध में द्वितीय कारण पूछा समर्थित करने, यानी पहला हो गया, दूसरा सम्मित करने के लिए बोला गया। देखिए कहने का मतलब क्या है कि वेरिफिकेशन के समय ही सब चीज़ ध्यान दिया रहता तो जितना भी फर्जी टीचर है ये सब तो नहीं आते। अब आरक्षण का लाभ इतना भी पता होना चाहिए कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, जो वेरिफिकेशन करने वाले हैं, जो लोग फॉर्म डाले। अब इस वक्त क्या होगा, कार्रवाई, लोग जॉब छोड़ के चल जाएंगे, बाद बाकी यहाँ के आदमी समझे, यहाँ का जो है उसको तो नहीं मिला, और यहाँ का रहता तो उससे सब चीज़ पैसा वैसा सब वसूल लिया जाता। ये स्थिति है, बड़ा भयावह स्थिति है। तो इतना 60 टीचर पूर्णिया से निकला, आप देखेंगे औरंगाबाद से कितना निकला, समझे, वही सब लिखा हुआ है इसमें कि सीटेट में 60% चाहिए अदर स्टेट वाले को, समझे। लिखा भी है कि आपके द्वारा, यहाँ लिखा है कि विज्ञापन में भी स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, निसंत अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। तो आरक्षण का लाभ नहीं, तो आरक्षण से लोग को जॉब भी हो गया, पता नहीं कैसे जॉब दिया, कैसे क्या किया, भगवान जाने, समझे। ये स्थिति है बिहार की।